एमएलए कारपोरेटर कारपोरेटर एमएलए कब्रिस्तान होना है होना है होना है। आज अंबरपेट में एक जो है सोशल वर्कर बाबा जो है ना एक्टिविट मेंबर थे, उन्होंने जो है ना कम से कम एक साल से जो है कब्रिस्तान के लिए फाइट कर रहे थे उन्होंने के टीआरएस गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में आकर यहाँ पे प्रॉमिस करे थे कि हम जो है इलेक्शन जीतेंगे तो हम 2 महीने के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी देंगे 4 एकड़ मुसलमान के लिए, कब्रिस्तान कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ आप लोगों को ज़मीन देंगे बोल के बोले थे। आज एमएलए साहब बोले थे, केटीआर साहब बोले थे, कारपोरेटर बोले थे, तो 4 एकड़ ज़मीन में आज जो है बराबर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि हम आपको बोले थे जीते बाद 2 महीने के अंदर देंगे बोल के बोले थे। आज जो है 4 साल हो गए, अभी तक कब्रिस्तान नहीं दिए। तो हमारे साथ जो है बाबा बोल के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने हर हमेशा हमको फेसबुक पे और जो है ना व्हाट्सएप पे हमको अपडेट देते थे कि भाई काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है। तो हमको जो है आज महमूद अली साहब 2 दिन पहले अंबरपेट अलीकेफ के पास आए थे, तो उसमें बाबा भाई को इनविटेशन कार्ड दिया गया, बाजाबता प्रूफ है हमारे पास। तो उसके लिए एमएलए हमारे बाबा भाई ने जो है इनविटेशन कार्ड आया था, तो उसमें अटेंड के लिए गए थे। वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उनसे भी बात करने के लिए गए थे कि सर हमारा कब्रिस्तान के लिए क्या हुआ। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उनके पुलिस वाले आए, आके जो है ना अंबरपेट पुलिस स्टेशन के लोग आए लेके आके वहाँ पर इतना मारा मार के पुलिस स्टेशन में लेके जाके 2 दिन उनको टॉर्चर करे, सुबह से लेके शाम तक बिठाए। फिर उसके दिन बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बोले। फिर दूसरे दिन लेके जाके उनको मारे पीटे, जो है ना घुटने से लेके कमर तक उनको मारे। फिर आज जो है ना संडे के दिन बुला के तुम्हारा मोबाइल है बोल के सुबह में बुला के बिठा के आज तक जो है हमारे को वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रखे। उसके बाद क्या करे, पीर के दिन जो है बुलाए कि भाई आपका मोबाइल ले लेके जाओ बोल के बुला के पुलिस स्टेशन में जो है लेके जाके उनको रिमाइंड कर दिए पुलिस वाले। तो ये करने की वजह ये है कि हमारा हक नहीं पूछना, हमारा हक पूछे तो हमारे को जेल को लेके जा रहे। किसको, मुसलमान हमारा हक पूछने के लिए गया तो जो है ना आज हमको ले लेके जाना पड़ा। बहुत अफसोसनाक है कि हमारे जो साथ में बाबा शख्सियत जो है ना हमको बहुत अच्छा दिखता था कि हमारे साथ रहते, तो उनको नाजायज लेके जाके इसके अंदर पूरा प्लान करे सो है हमारे एमएलए साहब, हमारे सर्कल साहब, हमारे एसआई साहब। अगर वाकई में अगर उन्होंने गलती है उनकी, तो हमारे को एक प्रूफ बता दो कि एमएलए के होम मिनिस्टर के पास जाके जो है ना हाथ मारे थे, तो गाड़ी को छिए थे, एक प्रूफ बता दो उसके भी बगैर। तो हम जाके वजह किसी भी नहीं बोल रहे, पुलिस वाले है तो बाहर हकाल दे रहे कि भाई आप चले जाओ, यानी अंबरपेट पुलिस स्टेशन। और सर्कल साहब उनको घुटने से मार मार के जो है ना पूरा सर्कल साहब जो है ना घुटने से मार के जो है ना पूरा वीडियो है उनके पास। हम डीसीपी साहब के ने जाएंगे, जाके हम मेमोरेंडम देंगे और जाके इनका कंप्लेंट करेंगे सर्कल का और एसआई का, हम किस बात पे उनको उठाए और किस बात पे जो है ना आज लेके चले गए। कितने साल पहले कब्रिस्तान का वादा करते थे, 4 साल पहले वादा करे थे। टीआरएस है, कॉलर वेंकटेश है, कारपोरेटर पुलिस विजय कुमार है, उन्होंने भी जीतने से पहले वादा करे थे लेके जाके। साल में आप लोग कभी जाकर उनसे मिले कब्रिस्तान के लिए? कहाँ कहाँ नहीं गए साहब, कहाँ कहाँ नहीं गए हम, चेयरमैन बोर्ड गए और जो है ना केटीआर के साथ जो है ना केटीआर साहब से भी जो है कि मिले, एमएलए से एक बार नहीं 10 बार मिले। और जो है ना हम जाके जो है और जो है ना कुछ ऑफिसर मंडल ऑफिस को भी लेके जाके हम जो है ना मेमोरेंडम दिए है हम। और एक बात अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, तुम जहाँ जहाँ भी दबाना चाह रहे मुसलमान को वहाँ दबेंगे नहीं, अल्लाह का वास्ता अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कभी नहीं रुकेंगे मुसलमान। और जितना तुम परेशान करेंगे हमको उतना हम उठेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद जो है ना हमको इतना परेशान किया गया है कि हर टाइम पे ना हक के जो हर वो ईद को आ रहे जो है ना सोशल वर्कर बाबा को उठा ले रहे घर पे से। कितने दिन, एक गलती बता दो हम उसके लिए, एक गलती बता दो हम उसके लिए
नादिम होंगे, जहां पर बोले वहां पर कोई गलती कुछ नहीं है, व्हाइट कॉलर है, व्हाइट कॉलर। कितने साल से हो ये एरिया में तो पैदा यही हुए। सोशल वर्क कब से कर रहे हो? सोशल वर्कर मैक्सिमम उन्होंने 10 साल से कर रहे, टीआरएस पार्टी से ताल्लुक है, टीआरएस पार्टी से उनको इलेक्शन में घर घर फिर के वोट दलाए। उन्होंने नाराजगी इस वजह से है कि उनकी नाराजगी इस वजह से है कि उन्होंने जो है ना जीते बाद जो है अभी तक खबरस्तान नहीं दिए, इसलिए जो है ना उनकी नाराजगी है, इसलिए उन्होंने खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो है हम डरने वाले नहीं है भाई, आज एक बाबा को पुलिस स्टेशन लेके गए जेल में डाले, दूसरा बाबा तैयार होगा। ये टीआरएस को वार्निंग है और ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक से एक बाबा तैयार हो जाएगा, मेरा जो वादा है। और अपने अपने सेल्फ पे, और बाबा का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के।